रवि का YouTube चैनल टेक्निकल भाटी पे। हमारे इस चैनल पे जो व्हीकल रिलेटेड वीडियोज पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि सर जो हमारे व्हीकल की डिटेल है वो ऑनलाइन शो नहीं हो रही है। जब हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के प्रोसीड कर रहे हैं तो वहां पे आ रहा है व्हीकल नोट फाउंड। तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल हम शो करा सकते हैं, उसके बारे में आप बता दीजिए। तो इसी के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है, किस स्टेट का आपका व्हीकल है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस आरटीओ में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है वो आरटीओ यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक आप करेंगे तो ये इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करके, एडिशनल सर्विसेज पे क्लिक करके, एप्लीकेशन फॉर सेल्फ बैकलॉग इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा जहां पे आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नंबर, जो व्हीकल नंबर आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पे आप डालिएगा, MH16 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जो गाड़ी नंबर है वो यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक करके आप प्रोसीड करके सबमिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं के लिए जिनके में सेल्फ बैकलॉग का नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है, उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ जाना है। उस आरटीओ में आपको जाना है जहां पे आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है, और वहां पे जाके व्हीकल की डिटेल अपडेट करा लीजिएगा। अपने व्हीकल की आरसी लेके जाइएगा, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, अपना करंट एड्रेस प्रूफ, अपने 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और भी व्हीकल के जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो आप लेके जाइएगा। जिस आरटीओ में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है वहां पे व्हीकल की डिटेल अपडेट आप करा दीजिएगा। और अगर यहाँ से आपका प्रोसीड हो रहा है, ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल के वैलिडेट पे क्लिक करके एप्लीकेशन सबमिट करके एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आरटीओ में आप ले जाइएगा जिस आरटीओ में आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पे कुछ ही आरटीओ में ये सर्विस अवेलेबल है, तो अगर आपके में आ रहा है, काफी आरटीओ ऐसे है जहाँ पे ये सेल्फ बैकलॉग का प्रोसेस है ही नहीं। अगर आपके में ऑनलाइन सेल्फ बैकलॉग का नहीं आ रहा है तो प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आरटीओ जाके आप वेरीफाई करा दीजिए, वहां पे डिटेल अपडेट करा लीजिएगा व्हीकल की। तो ये जानकारी है, जो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। व्हीकल रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो सिंपली यहाँ पे डालिएगा व्हीकल, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल HP टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, और भी काफी व्हीकल रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। बाकी सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।